हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे। स्वागत है फिर से एक बार मेरे नए ब्लॉग में। ये हमारे साथ सूरज भाई है, जो कि आज ये इनका ये, और हम देखो पीछे क्या लेके आ रहे हैं। हम लेके जा रहे हैं अपने घर के लिए, क्या है भाई सूरज भाई? ये दरवाजे और चौखट है भाई, और हम आपको दिखाएंगे अपना नया घर, जो कि मैंने अपनी मेहनत से लिया है, मेहनत कर करके लिया है। जिसे तुम्हें पता ही है कि मैं एक हेयर आर्टिस्ट हूँ, और आप हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहे, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट रहेगा। और ये देखिए हमारे सामने खेत, जिसमें कि गेहूँ कट चुके हैं। ये देखो भाई, काहे की फसल थी सूरज इसमें? ये धान होते हैं, जिससे मूजी बोलते हैं। धान? हाँ। और ये देखो मूजी, इतने बड़े बड़े खेत है भाई। यहाँ एक ही खेत में 10-10 लाख का माल हो गए। और ये देखो हमारे आगे डल्लब चल रहा, ये इसमें क्या जा रहा? बाजरा, ज्वार, भैंसों के लिए चारा। और ये हमने अपनी जगह स्टार्ट करी है, तो हम गांव में हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा। देखो कितनी चूंकी उठी, उससे बच्चे देख रहे हैं। ये देखो और ये हम अब अपनी साइट पे पहुंचने वाले हैं। ये देखो भाई पूरा खेत है। ये हमारी जगह है, और ये देखो तालाब है, यहाँ जगह का झोड़ है, क्या है तालाब? मछली वाला। और ये भाई आगे गड्ढे मछली वाले। तो भाई हमने यहीं पे जगह ली है, बुढ़ाकी गांव है। और ये देखो हम अपनी जगह के लिए जा रहे हैं, वही सारे बेचारे लेबर मजदूर हैं। और अब हम आपको अपनी जगह का टूर करवाएंगे, इसके पीछे ही है जस्ट। और ये सामने जिम है, शानदार एकदम लग्जरी जिम है भाई। भाई हमारा काम चालू है यहाँ, बस बहुत है भाई, बहुत है बड़ा हमारे मिस्त्री साहब के। अब ये देखो भाई, हम अपना मिस्त्री दिखाएंगे तुम, जो ठेकेदार भी है मिस्त्री भी है, सारे काम कर रहे हैं। और ये हमारी लेबर चल रही है, हमारा माल है। और मिस्त्री साहब कैसे हो? कैसे हो मिस्त्री जी? बढ़िया हो? आप ओ बढ़िया जी, बढ़िया। ये देखो हमारे मिस्त्री जी ने इतना तान दिया, 4 दिन के अंदर अंदर सारे पिलर विलर सेट है। हाँ, अब थोड़ा पता चल रहा कि हाँ भाई जगह बन रही है। अब लग रहा कि कमरे हमरे बन रहे हैं, तब नहीं लग रहा था। ये देखो ये हमारा काम चालू है। अब लेबर देखो भाई, मिस्त्री की कितनी लग रही है, गिनती करो इनकी सबकी। काम तो सही चल रहा है। और क्या चाहिए होगा तुम्हें? और क्या चाहिए होगा? फर्मा आ रहे हैं। फर्मा को कोई पैसा चाहिए थोड़े बहुत? हाँ जी। कितने चाहिए जी? देखो वो तो उसे किराए के ऊपर बात है, आज भी क्लियर हो जाएगा, कल क्लियर होगा, कल कह रहा हूँ। ठीक है। तो गाइस आपने मेरा घर तो देख ही लिया, जो मैंने अभी लिया है ये बेसिकली मैंने अपनी मेहनत से लिया है। मैं एक हेयर आर्टिस्ट हूँ, मैं जैसे शादियाँ वगैरह होती है ना, उनमें हेयर स्टाइलिंग वगैरह करने जाता हूँ। एक मेरे को इस लाइन में फील्ड हो गया, जैसे कि 3 साल हुए हैं मेरे को, मैंने इसमें हेल्पिंग में लगा था। अब मेरे पास अपना सब कुछ है ऊपर वाले की दया से। जैसे कि मैंने अभी एक गाड़ी ली थी वैगनार कुछ टाइम पहले, गाड़ी को हो गया 1 साल। एक मेरे पास स्कूटी है, एक मेरे पास बुलेट है, और एक सबसे बड़ी बात है ये सब गाड़ी वाड़ी छोड़ के, ये तो मजबूरी होती है, कहीं जाना है तो गाड़ी लेनी पड़ेगी। नहीं तो स्कूटी से आप कितना दूर दूर ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे को जाना पड़ता है 100-100 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर तक। खुद स्कूटी से मैं गया हूँ, मान के चलो एक एक दिन में मैंने 250-250 किलोमीटर तक स्कूटी चलाई है, पूरे दिन में। रात को स्कूटियाँ चलाता था मैं, दिन में पहुँचता था, फिर थोड़ा वहाँ पर रुक के फिर मैं ऐसे ऐसे करके घर आता था। तो मतलब कि जो कुछ भी करा है मैंने अपनी मेहनत से करा है। और अभी मैं अपना एक घर बनवा रहा हूँ, 100 गज का प्लॉट है, और जिसे मैंने लिया है ग्रेटर नोएडा के पार दादरी गांव में, जो दादरी है वहाँ पर लिया है मैंने, जिससे कि हम जहाँ रह रहे हैं दिल्ली में, यहाँ पर अपना घर नहीं है हमारे पास, सिर्फ रेंट पर रहते हैं। और हम यूपी से ही आए हैं, बदायूं से। तो मतलब बेसिकली है ये सब लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सामान ले लेता हूँ मैं अपना, और फिर हम चलते हैं घर पे। अब देखते हैं उनका रिएक्शन, क्योंकि मैं आया हूँ आज 2 दिन के बाद। चलो लेट्स गो। किसने डांटा? पापा मम्मी। हैं, तूने डांटा? मैंने नहीं डांटा, ये दोनों गेहूं फैला दिया पूरे। तापसी, कावी,
कहाँ गए पापा, कहाँ गए थे? पापा ने फिलाए हैं? पापा मैं तो ठीक कर रहा था, देखो पापा मैं तो देखो ठीक कर रहा था। तो गाइस मिलते हैं हम आपको आगे वाले ब्लॉग में। आज के लिए हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं। कैसा लगा हमारा ब्लॉग तो हमें बताएं प्लीज। ओके बाय।